press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार मेविश नाज को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और वीडियो के अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाजिया मैम आरवी राजपूत है कोई, एक ये और एक शिव रॉक है, वो काफी देर से मैसेज कर रहे हैं कि वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, प्लीज इनको हेलो बोल दें। थैंक यू, हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है मुझे। अब आती है बात कि हिंदू जिस लड़की से उन्होंने शादी की है, ये वो, ये रही तो दिखाई दे रहा है, ये नबी है हमारे भारत, ये हिंदू लड़की है। ठीक है, तो अब इनसे मुसलमान करा है, इसको मुसलमान किया इन्होंने, हाँ हाँ लव जिहाद किया है। अब इसके बाद फिर उस हिंदू लड़की के पेट से ये बेटा पैदा हुआ है, ये बेटा पैदा हुआ है। ठीक है, बात को समझिएगा गौर से, उस हिंदू बेटी के, उस हिंदू लड़की के, सनातनी लड़की के पेट से ये बेटा पैदा हुआ है। और अब आने वाले 20 साल के बाद भारत का नबी, भारत का शाही इमाम ये बनेगा। ठीक है, आने वाले 20 साल के बाद। तो भैया सनातनी बेटी के पेट से पैदा हुआ हुआ औलाद, जिसके खून ने उसको सींचा है, जिसके पानी ने उसको पेट में सींचा है, और उसको आप नबी बोल रहे हो और हिंदू को आप काफिर बोल रहे हो, कहां का न्याय है भैया, कहां का न्याय है, कहां का न्याय है। तो ये जो ये दोहरी शक्ल लेकर के जो मुसलमान घूमते हैं ना, ये जो बहरूपिया बन करके जो मुसलमान घूमते हैं ना, ये जो गिरगिट की तरह रंग बदल करके मुसलमान घूमते हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए इनका चिट्ठा मिट्ठा खोलने में ना मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। मतलब इनकी इनकी बातों को जब मैं खोलती हूँ ना, तो मुझे बड़ी बड़ी दिलचस्पी होती है। अभी फिलहाल इन्होंने उस हिंदू बीवी का नाम शादिया रख दिया है और नाम के आगे बुखारी भी लग गया है। तो ये सब बहरूपिया लोग हैं। दूसरी चीज है कि डेफिनेटली अभी देखो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट भी, स्कीम भी आई हुई है, जो कोई नई नहीं है। अभी लोग ये कह सकते हैं पाकिस्तान में कि अभी इलेक्शन है तो इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे जनधन योजना बहुत पुराना है, स्किल इंडिया मिशन बहुत पुराना है, लखपति दीदी बहुत पुराना है, मेक इन इंडिया स्कीम बहुत पुराना है, स्वच्छ भारत मिशन बहुत पुराना है, संसद आदर्श ग्राम योजना बहुत पुराना है, उसके बाद फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत पुराना है, हृदय प्लान बहुत पुराना है, पीएम मुद्रा योजना बहुत पुराना है, उज्ज्वला योजना बहुत पुराना है, अटल पेंशन योजना बहुत पुराना है, प्राइम मिनिस्टर ज्योति बीमा योजना बहुत पुराना है, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत पुराना है, स्मार्ट सिटी स्कीम बहुत पुराना है, अमृत प्लान बहुत पुराना है, डिजिटल इंडिया मिशन बहुत पुराना है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत पुराना है, उसके बाद फिर उदय स्कीम बहुत पुराना है, स्टार्टअप इंडिया बहुत पुराना है, सेतु बहरमतम योजना बहुत पुराना है, स्टैंड अप इंडिया बहुत पुराना है, उसके बाद फिर भारत उदय बहुत पुराना है, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल प्लान बहुत पुराना है, नमामि गंगा योजना बहुत पुराना है। मतलब ऐसे मैं कम से कम भी तो 4000 से ऊपर योजनाओं का लिस्ट मेरे हाथ में है, 4000 से ऊपर। एक प्लान किया गया था कि कम से कम हम भारत के 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, जिसमें से 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, ऑलरेडी बन चुकी है। हमारा जो घर देने का जो योजना चला था, उस योजना में जितने भी घर की रजिस्ट्री हुई है वो भारत की महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री हुई है, पुरुषों के नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुई है, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग किया गया है।
यहाँ तक के जो शौचालय बना है, जो गैस बना है, जो मुद्रा योजना के तहत जो स्कीम दी गई है वो सब महिलाओं के नाम पर की गई है, महिलाओं को दिया गया है ये सारे तोहफे तो है। अब स्पेसिफिकली मुसलमान लड़कियों के लिए लाडली योजना आया, ईदी योजना आया, सीखो और कमाओ योजना आया, कारीगर योजना आया, तो ये सारी चीजों के माध्यम से मुसलमान लड़की का क्या है कि भैया आप एचएस कर रहे हो या टेन कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री योजना के तहत आप ये पैसा लो और अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करो। नाजिया मैम, कल से मुसलमानों का रमजान स्टार्ट हो रहा है, मैं जानना चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर किस तरह की सिनेरियोस चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हल्ला बोला हुआ है कि अपनी फिक्र हो अपनी, हर चीज घी चीनी तेल सब महंगा हो गया, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों का टेंशन ये है कि यार हिंदू इंडिया में जो बहन भाई रह रहे हैं ना वो बेचारे बड़े मुश्किल में हैं, उनके साथ रमजान में बहुत बुरा होने वाला है। क्यों? आपकी आपकी जो चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज, वो तो बड़ी पैसे वाली हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो नहीं मदद करेंगी गरीब पाकिस्तानी मुसलमानों का। चलिए आपको एक क्लिपिंग उनकी दिखाते हैं, ठीक है। यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर कहाँ है ये रिकॉर्ड में? ये जेट इंटरव्यू हो गया है, क्लियर है आपके कंसर्न, आपके पास क्रिकेट टीम बनी है 2009-2010 में, मरियम सद्दर पॉइंट है, ये आप एग्जैक्ट रिपोर्ट बता, मरियम सद्दर पॉइंट की बीएमडब्ल्यू कार विच वाज गिफ्टेड टू हर बाय द यूएई रॉयल फैमिली एंड द वैल्यू ऑफ द कार डिक्लेयर्ड एज रुपीस 3.5 बिलियन इन द टैक्स ईयर 2009-2010 2009-2010 द सेम कार वाज डिक्लेयर्ड टू बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 19.66 बिलियन इवन टू कंपनी के अंदर विच इज डिलेड 2011 आपके पाकिस्तान का एक निकाह दिखाना चाहूंगी, ठीक है, आप लोग भी निकाह पढ़िएगा तो जरा सोच समझ करके पढ़िएगा, जिस मौलवी को बुलाइएगा जरा सोच समझ करके बुलाइएगा, इसलिए दिखा दे रही हूँ, जवान लड़की हो इसलिए। आपको मालूम नहीं कि आप जिए, आपको मालूम नहीं, एक मिनट देना मुझे, व्यूअर्स थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं दिखा रही हूँ, बहुत जबरदस्त कोई मसला नहीं है, मरियम नवाज और तेजस्वी यादव वो इज मोर रिच, दोनों बहुत रिच है, दोनों बहुत रिच है यार, मुझे ये नहीं पता ज्यादा कौन है। कब्रिस्तान के अंदर भी हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है मुसलमान मर्दों के हाथों, खुल क्यों नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, खुल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाती, वो इमाम जो है ना निकाह पढ़ाने के बाद दुल्हन को किस कर देता है, वो भी लिप्स पे, बहुत अच्छा था, मैंने निकाल करके रखा हुआ था। Don't tell me. निकाल करके रखा हुआ था, और क्योंकि मुझे रात में पता था कि मुझे तो ऐसा शो करना है, अभी पता नहीं क्यों खुल ही नहीं रहा है, नहीं तो मैं तुमको अभी स्क्रीन पे दिखाती। जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान में आजादी के वक्त में 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो 21% हिंदू थे और 1288 मंदिर थे, आपने सबको तोड़ फोड़ दिया और आपने 21% माइनॉरिटीज को 1% में कन्वर्ट कर दिया, कुछ को मार दिया आप लोगों ने, कुछ को काट दिया, कुछ को कन्वर्शन करवा दिया, कुछ को भगा दिया, तो इन टोटल आपने 1% कर दिया है। तो अब ऐसे जो अत्याचारित हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या अलग अलग देशों में रह रहे हैं जहां पर उनको बहुत अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे हिंदुओं को हम भारत में बुलाएंगे और उनको उनको हम मान्यता देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे और यहाँ पर पूरे पूरे अहमियत के साथ और वैल्यू के साथ हम यहाँ पर भारत में रखेंगे, पूरी इज्जत के साथ रखेंगे। क्या वो हिंदू पाकिस्तान से भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, वो हिंदू पाकिस्तान के भी हैं,
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लायक खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने लव जिहाद से लेके कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात की और ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि मजहब के ठेकेदारों को भी जम के धोया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।